इलेक्शन कमीशन ने सिंध असेंबली की 129 नशस्तों के नतीजे जारी कर दिए हैं। पीपल्स पार्टी सिंध में तन्हा हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ चुकी है। पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन ने सिंध असेंबली के 130 में से 84 जनरल नशस्तों पर कामयाबी हासिल कर ली है। एमकेएम पाकिस्तान सिंध असेंबली में दूसरी बड़ी जमात बनकर उभरी है। मुतहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने सिंध असेंबली की 28 नशस्तें जीती हैं। सूबाई असेंबली की 13 नशस्तों पर आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुए हैं। जमात इस्लामी और ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस दो दो नशस्तों पर कामयाब हुई। पीएस 18 के नतीजे रोक लिए गए, जहां दो पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग होगी। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली की 115 में से 112 के नतीजे का ऐलान कर दिया गया। 90 नशस्तों पर आजाद अरकान मुंतखब हो गए। जेयूआई के हिस्से में 7 नशस्तें आई। पीपल्स पार्टी को 4, जमात इस्लामी को 3, जबकि पीटीआई पार्लियामेंटेरियन को 2 और एएनपी को 1 नशस्त पर कामयाबी मिली है। पी के 90 पर नतीजे रोक दिए गए हैं, जबकि 2 हल्कों में इंतखाबात मुलतवी किए गए थे। इलेक्शन कमीशन ने बलूचिस्तान असेंबली के 48 हलकों के नतायज जारी कर दिए हैं। 3 हलकों के नतायज आना अभी भी बाकी है। बलूचिस्तान असेंबली में पीपल्स पार्टी सबसे बड़ी जमात बनकर सामने आई है। पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान असेंबली की 11 नशस्तों पर कामयाब हुई। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और जेयूआई 9-9 नशस्तों पर कामयाब हुई। 6 आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुए। बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने 4, नेशनल पार्टी ने 3, अवामी नेशनल पार्टी ने 2, बीएनपी अवामी जमात इस्लामी और हक दो तहरीक बलूचिस्तान को 1-1 सीट मिली है।